हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से और जेकेएसएसबी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पूरे टॉपिक को, ये जो हम वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये जो वीडियो सीरीज़ है हमारी, इस इनको देखने के बाद आपको उसके बाद कोई और बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। उसके अलावा जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं आप अपनी नोटबुक सामने रखें, पेन कॉपी अपने सामने रखें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ये बनने जा रही हैं। तो आज हमारा ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। तो इसमें आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया। तो उसके बाद जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी एंशिएंट इंडिया पर, देन हम मेडिवल शुरू करेंगे, लास्ट पर मॉडर्न शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम सबसे पहले एंशिएंट इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे तो उन टॉपिक्स में अगर कुछ पॉइंट रह भी जाते हैं उनको हम एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी हिस्ट्री है, चाहे एंशिएंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, इसका सोर्स क्या है। सोर्स मतलब मीनिंग ये कि हमें कैसे पता चला इन एंशिएंट जो भी इवेंट्स हुए हैं या मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका हमें कैसे पता चला है, हमारे पास क्या सोर्स था ऐसा जिसके थ्रू हमें इन इवेंट्स का पता चला। तो मेनली ये जो इवेंट्स हैं ये इसके 3 सोर्सेज हैं। एक है इंस्क्रिप्शन, सेकंड है मैनुस्क्रिप्ट एंड थर्ड है आर्कियोलॉजी। सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, तो एक तो इंस्क्रिप्शन, मैनुस्क्रिप्ट एंड आर्कियोलॉजी। इंस्क्रिप्शन एंड मैनुस्क्रिप्ट ये दोनों रिटन फॉर्म में होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इंस्क्रिप्शन होता है ये थोड़ा हार्डर सब्सटेंस पर लिखी हुई चीज़ें होती हैं, और जो मैनुस्क्रिप्ट होता है ये सॉफ्ट सब्सटेंस पर लिखी होती हैं। जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, जैसे लिखा होगा किसी कॉइन पर लिखा हुआ है, या किसी रॉक के ऊपर, या कॉपर प्लेट के ऊपर, या जो टेम्पल्स हैं उनकी वॉल्स पर लिखी हुई चीज़ें, तो ये हो गया इंस्क्रिप्शन। और ये जो इंस्क्रिप्शन होता है ये काफ़ी देर तक रहने वाली थिंग्स होती हैं, लेकिन जो मैनुस्क्रिप्ट होता है ये ज़्यादातर नहीं रहती हैं, ज़्यादा देर नहीं रहती, ये बाद में ख़त्म भी हो सकती हैं। तो मैनुस्क्रिप्ट ये लिखी होती हैं बिल्कुल सॉफ्ट सरफेसेस पर, जैसे किसी पेपर पर लिखी हुई चीज़ें या पाम लीव्स पर, और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो मेन डिफरेंस इंस्क्रिप्शन और मैनुस्क्रिप्ट का ये है कि ये हार्ड सब्सटेंस पर लिखी हुई चीज़ें हैं, और ये जो डिटेल्स हैं या जो सोर्स है इसका, ये लिखा होता है सॉफ्ट सब्सटेंसेस पर। तो इतना आपको याद रखना है। और इसका जो हमारा थर्ड सोर्स है वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है, इट इज़ ए स्टडी ऑफ एंशिएंट एंड रिसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। तो ये हमारा मेन सोर्स है, इंस्क्रिप्शन, मैनुस्क्रिप्ट एंड आर्कियोलॉजी, दीज आर द 3 सोर्सेज जिसका हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं हमारे पास रिटर्न सोर्स था, डाटा था, उसके थ्रू हमें हिस्ट्री का पता चला है। लेकिन वो ज़माना जिसके बारे में ना हमारे पास कोई रिटर्न फॉर्म है, ना उसका कोई हमारे पास रिटर्न डाटा है, ना कोई लिटरेरी सोर्स है, उस ज़माने को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये वो ज़माना है जो हमने पीछे डिस्कस किया, 3 जो हमने डिस्कस किए, 3 सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसमें इनमें से हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था। यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड वो है जहाँ पर हमारे पास न तो इंस्क्रिप्शन है न ही मैनुस्क्रिप्ट्स हैं। तो ये वो ज़माना है जिसका हमारे पास न कोई रिकॉर्ड है, न कोई डॉक्यूमेंट्स है, इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इट रफली डेट्स फ्रॉम 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 1200 BC। तो और ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको जनरली इट इज़ कैटेगराइज इन 3 आर्कियोलॉजिकल पीरियड्स, जैसे स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। तो इसको 3 आर्कियोलॉजिकल पीरियड्स में या एजेस में इसको डिवाइड किया गया है। स्टोन एज कौन सा एज है, जिसमें ये वो पीरियड है जिस ज़माने में टोल स्टोन के टूल्स यूज़ किए जाते थे। देन ब्रॉन्ज एज ये वो एज है, ये वो ज़माना है जिसमें ब्रॉन्ज के टूल्स यूज़ किए जाते थे। देन आयरन एज
ये वो एज है, वो पीरियड है जिसमें आयरन के टूल्स यूज़ किए जाते थे। तो इस तरीके से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस टाइम पीरियड को। तो जो स्टोन एज है, अब हम इनको अलहदा से डिस्कस करेंगे। जो स्टोन एज है इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, पेलियोलिथिक या जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, मीज़ोलिथिक या मिडल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज भी इसको कहा जाता है। और ये जो एरा है इट इज़ मार्क्ड बाय द यूज़ ऑफ टूल्स बाय आवर अर्ली एंसेस्टर्स। तो ये तो थे 3 पीरियड्स और इनकी टाइप्स। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बच्चों को AD और BC से रिलेटेड कन्फ्यूजन होगा, उनको पता नहीं रहेगा कि AD क्या होता है, BC क्या होता है। तो थोड़ा सा जल्दी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा ये जो ईयर्स का सिस्टम है, जैसे आज ईयर है 2021, तो ये ईयर 1 से शुरू हुआ है, देन आज 2021 है। तो इस एरा को, इस तमाम पीरियड के सामने इसके साथ AD लगाया जाता है, यानी ये टाइम पीरियड वो पीरियड है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का वाला, उसके बाद जो ज़माना है उसको हम AD, उसको हम यूज़ करते हैं। यानी आज 2021 है, तो इसका मतलब AD ये जो जीसस क्राइस्ट थे उनको 2021 साल पहले वो पैदा हुए थे, तो इसको हम AD लगाते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो इसे, ये जो 2021 ईयर्स हो चुके हैं, इससे जो पहले वाले ज़माना है उसके साथ हम लगाते हैं BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो इतना आपको याद रखना है, जो 2021 जो ईयर्स हो चुके हैं 1 से 2021, इसके साथ लगाते हैं हम AD, और इससे जो पहले का ज़माना है उसके साथ लगाते हैं हम BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, उससे पहले का ज़माना, इतना आपको याद रखना था ये। तो अब हम जो हमारे ये पीरियड्स हैं इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड्स इन इंडिया, और इनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू टूल्स। तो ये जो हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड्स हैं इनको 5 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, पेलियोलिथिक पीरियड, मीज़ोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, कॉल्कोलिथिक पीरियड एंड आयरन एज। और इनका जो टाइम पीरियड है वो रफली है, पेलियोलिथिक का 2 मिलियन टू 10,000 BC, देन मीज़ोलिथिक 10,000 BC टू 800 BC, 800 BC टू 4,000 BC हो गया नियोलिथिक, देन कॉल्कोलिथिक पीरियड 4,000 टू 1,300 BC, एंड आयरन एज इट इज़ रफली बिटवीन 1,300 BC टू 200 BC। तो ये 5 हिस्टोरिक पीरियड्स हैं, ये आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो अब हम ये जो टाइम पीरियड्स हैं इनको हम अलहदा से पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हो गया हमारा पेलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, और ये रफली है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BC तक का ये ज़माना है। तो ये जो टर्म है पेलियोलिथिक, ये किसने दी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द टर्म वाज गिवन बाय जॉन लबक, तो ये टर्म पेलियोलिथिक ये दी थी जॉन लबक ने, एंड पेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में, लोअर पेलियोलिथिक एज जो रफली अप टू 1 लाख BC है, देन मिडल पेलियोलिथिक एज रफली अप टू 40,000 BC, देन अपर पेलियोलिथिक 40,000 BC टू 10,000 BC। तो पेलियोलिथिक पीरियड को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब हमें 3 ये जो टाइप्स हैं, 3 एजेस हैं, इनको हम अब इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो गया लोअर पेलियोलिथिक एज, यानी पेलियोलिथिक एज की जो टाइप्स हैं इसका हम सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक एज देखेंगे। ये कौन सा ज़माना था, ये जो पीरियड था इसमें जो लोग थे, जो पीपल थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन था हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो ये इनका मेन ऑक्यूपेशन था, यानी शिकार वगैरह करना और फूड गैदरिंग, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन था। और ये चीज़ हंटिंग और फूड गैदरिंग, ये जो इसमें टूल्स यूज़ होते थे वो कौन से थे, जैसे एक्स हो गया, चॉपर्स हो गए एंड क्लीवर्स हो गए, और ये स्टोन के बने हुए होते थे, एक तो स्टोन के बने होते थे या लाइमस्टोन के बने होते थे, ज़्यादातर लाइमस्टोन हो गए चूना, यानी चूने के ये बने हुए थे। ये हो गया एक्स, ये मैंने इमेजेस यहाँ बताई, ये एक्स है, ये हो गया चॉपर्स, एंड ये हो गया क्लीवर्स। तो ये तमाम ये जो टूल्स थे दे आर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, ये चूने के बने हुए होते थे। और ये जो टूल्स थे, ये जो पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक एज के ये जो टूल्स थे, इनको क्वार्ट्जाइट भी कहते थे, इनको क्वार्ट्जाइट भी कहते। और जो प्यूपल, इस पीरियड के जो प्यूपल थे उनको क्वार्ट्जाइट मैन कहा जाता है। तो ये जो साइट, इनकी जो अर्लीस्ट साइट फाउंड है, अर्लीस्ट लोअर पेलियोलिथिक साइट इज़ बोरी, यानी सबसे पहले ये जो पेलियोलिथिक एज का जो ज़माना है
इस टाइप के जो लोग थे ये कौन सी जगह पे पाए गए उसको साइट कहते हैं, यानी ये किस साइट पे ये लोग पाए गए। तो अर्लीस्ट जो पेलियोलिथिक साइट थे वो है बोरी, ये एक जगह है बोरी महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ ये पाए गए। देन और भी कुछ मेजर साइट्स हैं ऑफ लोअर पेलियोलिथिक के, जैसे सोन वैली इन पाकिस्तान, कश्मीर, मेवार प्लेन्स, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, डेकन प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, नॉर्थ एंड कावेरी रिवर एंड बैलन वैली इन यूपी। तो ये हैं मेजर साइट्स ऑफ पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक एज। अब हम आते हैं मिडल पेलियोलिथिक एज पर। तो जो मिडल पेलियोलिथिक एज था इसमें जो टूल्स थे जो स्टोन के ही भी वो भी होते थे मिडल पेलियोलिथिक एज के, लेकिन इनको ये तो इनको थोड़ा सा तेज़ किया जाता था आगे से, जैसे ब्लेड शेप शेप का बनाया जाता था, एंड पॉइंटर, स्कॉर्पर एंड बोरर, तो ये थे इस एज के मैन टूल्स थे। टूल्स वर स्मालर, लाइटर एंड थिनर, तो ये हल्के भी थे, छोटे थे और थोड़े पतले हुआ करते थे, जैसे यहाँ ये बनाई हुई मैंने ये दिखाई है इमेज। और ये जो इम्पॉर्टेंट मिडल पेलियोलिथिक साइट्स इसकी कौन सी हैं, एक तो बैलन वैली यूपी में ये पाए जाते थे, देन ल्यूनी वैली राजस्थान, सोन एंड नर्मदा रिवर्स एंड भीमटेका, ये हैं इनकी मेजर साइट्स ऑफ मिडल पेलियोलिथिक एज। देन नेक्स्ट हो गया अपर पेलियोलिथिक एज। अपर पेलियोलिथिक एज इसमें जो मेन इवेंट हुआ है वो है इमरजेंस ऑफ होमो सेपियंस, यानी जो मॉडर्न मैन है आज ये इसकी जो इमरजेंस हुई है उस ज़माने में, तो उस ज़माने में जो मॉडर्न एज था वो इसी ज़माने में उसकी इमरजेंस हुई है। होमो सेपियंस जो मॉडर्न मैन था उस ज़माने का, उसकी जो इमरजेंस हुई है वो अपर पेलियोलिथिक एज में हुई है, ये आपको याद रखना है। देन हम भी होमो सेपियंस ही हैं। लॉट ऑफ बोन टूल्स इंक्लूडिंग नीडल्स, हारपून्स, ब्लेड्स, फिशिंग टूल्स एंड बोरिन टूल्स, ये इस पेड़ में पाए गए। और इसमें जो मेन इवेंट हुआ वो हुआ डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी इस ज़माने में जो आग थी उसको डिस्कवर किया गया। तो जैसे अब कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने दो स्टोन्स को पकड़ा, उनको स्ट्राइक किया, अचानक उनने स्ट्राइक किया, कोई प्री प्लान नहीं था, स्ट्राइक किया दो पत्थर्स को, वहाँ से स्पार्क निकली, आग निकली, और नीचे वो जब आग नीचे पड़ी वो ज़मीन पर पड़ी, वहाँ शायद कुछ सूखी हुई चीज़ें थे और वहाँ आग लग गई। तो इस तरीके से उनको पता चला कि ये फायर भी कोई चीज़ होती है, यानी डिस्कवरी ऑफ फायर वो इसी ज़माने में हुई। देन इन ये जो अपर पेलियोलिथिक एज है इनकी जो मेन साइट्स हैं वो है बैलन वैली इन यूपी, ल्यूनी वैली राजस्थान, सोन डेकन प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो एंड भीमटेका साइड पर कुछ पेंटिंग्स हैं, तो वहाँ से भी हमें पता चलता है इनके ओरिजिन के बारे में। तो ये था अपर पेलियोलिथिक एज। अब हम आते हैं मेसोलिथिक पीरियड पर, यानी मिडल स्टोन एज। तो ये पेलियोलिथिक की हमने तीनों टाइप्स डिस्कस की, अब हम मेसोलिथिक पर आते हैं। मेसोलिथिक एज, ये मिडल स्टोन एज भी इसको कहा जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड है मोस्टली 10,000 BC टू 8,000 BC है। यहाँ मेजर क्लाइमेट चेंज हुआ, यानी क्लाइमेट के अंदर काफ़ी चेंजिंग्स वगैरह आई। जो क्लाइमेट था अब पहले बहुत ज़्यादा कूल क्लाइमेट होता था, ठंडा क्लाइमेट होता, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, अब थोड़ा सा गर्मी शुरू हो गया, थोड़ा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा वार्म होने लगा। उसकी वजह से जो वहाँ का फ्लोरा और फाना था, नई नई एग्जिस्टेंस हो गई, नए नए बर्ड्स आने लगे, नए नए जानवर आने लगे इस क्लाइमेट की वजह से, और रेनफॉल भी इंक्रीज़ हो गया, जिससे जो अवेलेबल फ्लोरा एंड फाना था वो भी थोड़ा सा बढ़ने लगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से नए नए एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आने लगे, और जो रेनफॉल वगैरह है उससे इसमें इंक्रीज़ भी ये होने लगा। उसके अलावा इसी मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू हो गई, अब जानवरों को पाला जाने लगा। तो इसमें जो सबसे पहले जो एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, दैट वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इनके साथ साथ शीप एंड गोट को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था इस मेसोलिथिक पीरियड में। देन हर्डिंग भी इस पेड़ में इंट्रोड्यूस हुई। हर्डिंग क्या होती है, यानी जो डांगरों को चराने के लिए ले जाते हैं, यानी चराना, उनको खिलाने पिलाने के लिए कहीं ले जाते हैं हम डांगरों को, तो उसको चराना कहते हैं, उसको हर्डिंग कहते हैं। तो ये हर्डिंग भी इसी टाइम पीरियड में शुरू हो गया, यानी डांगरों को चराने के लिए ले जाना, ये हर्डिंग भी इसी टाइम पीरियड में शुरू हो गया। देन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ये ऑलरेडी पहले शुरू हो चुकी थी, ये भी इस टाइम पीरियड में कंटिन्यू रही। उसके अलावा फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन भी शुरू हो गई, यानी अब इस ज़माने में जो लोग
लोग थे, अब वो इकट्ठा एक एक जगह पर अब रहना शुरू किया, कॉलोनीज में अब उन्हें रहना शुरू किया, और सबसे पहले ये जो है गंगा प्लेन्स में इन्हें रहना शुरू कर दिया। उसके अलावा माइक्रोलिथ्स भी यहाँ इंट्रोड्यूस हुए, यानी जो टूल्स थे यूज़ तो होते थे, जैसे पिछले जो हमने पेलियोलिथिक एज पढ़ा यहाँ टूल्स का हमने देखा इस्तेमाल, लेकिन वहाँ बड़े बड़े टूल्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब जो है मेसोलिथिक पीरियड में ये जो टूल्स थे इनका जो साइज़ अब थोड़ा छोटा होने लगा, इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी स्मॉल टूल्स जो अब यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि माइक्रोलिथ यानी इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल टूल्स, टूल्स तो थे लेकिन अब उनको थोड़ा सा साइज छोटा इन्हें कर दिया, और इसकी इंट्रोडक्शन हुई मेसोलिथिक में। और इसकी अब मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं, ब्रह्मगिरी, मैसूर, नर्मदा, विंध्य गुजरात यूपी, सोजात राजस्थान, भीमटेका, गोदावरी बासिन एंड सराई नहर राई, तो ये हैं इसकी मेजर साइट्स। और इस ज़माने में जो टूल यूज़ किए जाते इस पीरियड में, जैसे ब्लेड हो गया, क्रिसेंट, ट्रायंगल, स्पियर हैंड्स, नाइव्स, एरो हेड्स, सिकल्स एंड हारपून्स, यानी छोटे छोटे टूल्स, इन्हीं को माइक्रोलिथ कहा जाता है, इन्हीं टूल्स का यूज़ किया जाने लगा मेसोलिथिक पीरियड में। तो ये तो था मेसोलिथिक। अब हम आते हैं नियोलिथिक पीरियड में, यानी न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक पीरियड जिसको न्यू स्टोन एज को फूड प्रोड्यूसिंग एज भी कहा जाता है, फूड प्रोड्यूसिंग एज। तो ये रफली है ये 8000 BC टू 4000 BC का ये टाइम पीरियड है, इसमें एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन अब शुरू हो गई, इसलिए इसको फूड प्रोड्यूसिंग एज भी कहा जाता है। तो इसमें एक और मेन इवेंट हुआ, यहाँ डिस्कवरी ऑफ व्हील हुई थी इस ज़माने में, देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी तो यहाँ भी चलती रही, देन कल्टिवेटेड सीरियल एंड ग्रेन्स। अब यहाँ जो यूज़ किए जाते थे टूल्स, टूल्स तो पहले ही यूज़ किए जाते हैं पिछले ज़माने में भी, पेलियोलिथिक में भी, मेसोलिथिक में भी, लेकिन न्योलिथिक में और इसमें क्या हो गया कि अब ये जो टूल्स थे, जो छोटे छोटे टूल्स थे, माइक्रोलिथ टूल्स थे, इनको पॉलिश किया जाने लगा। तो ये जो पॉलिशिंग ऑफ टूल्स थी ये न्योलिथिक पीरियड में शुरू हुआ, टूल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके थे लेकिन यहाँ अब इनकी पॉलिशिंग शुरू हो गई, ये आपको याद रखना है। और इस न्योलिथिक पीरियड में अब स्टार्ट के सेटल्ड लाइफ इन्हें शुरू की, और इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता होम कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने लगी। उसके अलावा आर्ट इंक्लूडिंग पोट्री अब यहाँ शुरू हो गई, सीविंग एंड वीविंग भी इसमें इस टाइम पीरियड में शुरू हो गया, और फायर के बारे में ये ऑलरेडी जानते थे। उसके अलावा डिस्पोजल ऑफ डेड भी उन्होंने अब इसी ज़माने में शुरू किया, यानी जो भी डेड बॉडीज़ होती थी उसको डिस्पोज करना वो इसी टाइम पीरियड में शुरू हो गई, आपको याद रखना है। डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज़, चाहे उनको दफनाया जाता था या जलाया जाता था, लेकिन उसको डिस्पोज करना ये नियोलिथिक पीरियड में ही शुरू हो गया। उसके अलावा आर्ट भी इसमें देखा गया, इसमें आर्ट का भी काफ़ी चीज़ें देखी गई, जैसे आर्ट वाज सीन इन केव पेंटिंग्स ऑफ डांस, तो आर्ट भी इस ज़माने में देखा गया। इसकी जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो हैं इनाम गांव, इनाम गांव सबसे जो पहली साइट है वो नियोलिथिक पीरियड की, वो इनाम गांव है, देन बरजम कश्मीर, देन मेहरगढ़ पाकिस्तान, हलोर, देन पयमपली आंध्र प्रदेश एंड चिरांद बिहार, ये है इसकी मेजर साइट्स नियोलिथिक पीरियड की। अब हम आते हैं कॉलकोलिथिक पीरियड पर। कॉलकोलिथिक पीरियड, इसको कॉपर एज भी या ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कॉपर इंट्रोड्यूस हुआ और ब्रॉन्ज इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसको कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, यानी इस ज़माने में कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ होने लगा। उसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन, वो भी कॉलकोलिथिक पीरियड में ही शुरू हो गई, यानी इसको बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो झूम कल्टीवेशन क्या होती है, इसमें लैंड को कल्टिवेट किया जाता है, देन कल्टिवेशन के बाद जो भी वहाँ ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो बाद में उनको जला दिया जाता है, उस जलने के बाद जो वहाँ उससे ऐश पैदा होती है, उस ऐश को एज ए पोटाशियम यूज़ किया जाता है, और उससे जो है जो साइल होती है, यानी ऐश को एज ए पोटाशियम यूज़ किया जाता है, उससे जो है साइल फर्टाइल हो जाती है और उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा और फसलें बनती हैं, तो इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो ये झूम कल्टीवेशन यानी बर्न एग्रीकल्चर, ये भी कॉलकोलिथिक पीरियड में शुरू हो गया। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वो भी इसी कॉलकोलिथिक पीरियड में पाई गई, यानी 2700 BC से 1900 BC, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कॉलकोलिथिक पीरियड में ही पाई गई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आगे हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होगा, इसको हम डिटेल से आगे हम पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ इतना याद रखें आप कि ये जो इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कॉलकोलिथिक पीरियड में ही हुई थी। उसके अलावा इस पीरियड में ब्लैक एंड रेड पॉटरी भी यूज़ किए जाने लगे, पॉटरी होती थी लेकिन उनका जो कलर था वो ब्लैक एंड रेड पॉटरी अब उनको
यूज़ ऑफ ब्लैक एंड रेड पॉटरी अब वो यूज़ होने लगे, तो यानी उनका कलर जो है उन पर अब कलर वगैरह किया जाने लगा। तो यहाँ की जो मेजर सेटलमेंट्स थी वो कहाँ कहाँ पाई गई, ब्रह्मगिरी इन नोएडा टॉली जो नर्मदा रीजन में है, देन चिरांड गंगा रीजन में, एंड महिषादल जो वेस्ट बंगाल में है। तो ये हैं मेजर सेटलमेंट्स ऑफ कॉलकोलिथिक पीरियड। तो नेक्स्ट अब हमारा है लास्ट पीरियड, लास्ट स्टेज वो है आयरन एज। तो आयरन एज इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इस ज़माने से पहले आयरन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो ये जो एज है आयरन एज है, इस ज़माने में अब आयरन अब इंट्रोड्यूस हुआ, डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई, अब जो है इस ज़माने में आयरन का यूज़ किया जाने लगा, जो भी टूल्स वगैरह थे वो आयरन के बनाए जाने लगे। तो और इसमें ये जो आयरन एज है इसमें एक और मेन ये डेवलपमेंट हुई कि अराइवल ऑफ आर्यन वो भी इसी एज में हुई, आयरन एज में ही अराइवल ऑफ आर्यन भी हुआ, जिसको वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। तो इस टाइम पीरियड में वैदिक पीरियड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी ज़माने में जो वेदास वगैरह थे लिखे गए थे, वेदास जो भी हिंदुओं के वेदास थे वो इसी वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथुर्वेद, तो ये तमाम वेद जो है इसी पीरियड में लिखे गए थे। उसके अलावा जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म वो भी इसी ज़माने में आया, आयरन एज के ज़माने में भी ये मेजर रिलीजन्स आए। देन किंगडम ऑफ महाजनपदास जो कि इसमें 16 किंगडम्स हैं, यानी इट इज़ अ किंगडम ऑफ 17, ये जो किंगडम है इसमें 16 किंगडम्स टोटल आते हैं, तो इनको महाजनपदास भी कहा गया। तो इनका जो किंगडम है वो भी इसी ज़माने में आयरन एज में ही आया। देन फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन भी इसी में आई। देन गंगा रिवर, इंडस वैली के बाद जो फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन हुई जो गंगा रिवर के आसपास में हुई वो भी इसी आयरन एज के ज़माने में हुई। फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन ऑन द गंगा रिवर आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन वो भी आयरन एज में ही हुई है। तो ये थी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स इन आयरन एज। तो इस तरह हमने ये जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें हमने जो 5 पीरियड्स हैं उन तमाम पीरियड्स को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा ये तमाम चीज़ें जो भी इनमें कुछ डाउट्स वगैरह होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, मैंने पूरे अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी एक दो दिन में इसके MCQs भी लेके आऊँगा, और कुछ इसमें रह भी गए होंगे उनको मैं MCQs के थ्रू भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एंशंट हिस्ट्री पर, वो भी मैं बहुत ही जल्दी एक दो दिन में लेकर आऊँगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि हमारी ये जो वीडियोज़ है अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें ताकि तमाम बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस।